प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी 2020 वैश्विक शिखर सम्मेलन को किया संबोधित, कहा सरकार सुधार, प्रदर्शन और बदलाव के सिद्धांत को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग विज्ञापन पर जारी की एडवाइजरी, ऑनलाइन गेमिंग पर भ्रामक विज्ञापनों को लेकर जताई चिंता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुफिया निदेशालय के 63वें स्थापना दिवस समारोह का किया उद्घाटन, एजेंसियों को जानकारी साझा करने के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन की भूमिका को सराहा। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा का शानदार प्रदर्शन, भाजपा 48 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, टीआरएस 55 और एआईएमआईएम ने जीती 44 सीटें। चक्रवात निवार से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय दल 4 दिवसीय दौरे पर, तमिलनाडु और पांडिचेरी में हुए नुकसान का करेगा आंकलन। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर हुई 94.28%, मृत्यु दर घटकर पहुंची 1.45%। दुनिया भर में कोविड 19 मामलों की संख्या 6,62,00,000 के पार, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 15,00,000। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नए साल से कोविड 19 महामारी से राहत के लिए अरबों डॉलर का रखा प्रस्ताव। और अब खबरें खेल जगत से। फीफा ने पेशेवर महिला फुटबॉलर्स के लिए मातृत्व अवकाश के नियमों को दी मंजूरी, 14 हफ्ते के अवकाश के साथ क्लब को चिकित्सा सुविधा में भी करनी होगी मदद। ऑलराउंडर भारतीय खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया के साथ जारी 3 मैचों की T20 सीरीज से बाहर, तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर टीम में शामिल।